हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम नास यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे के पेपर के सॉल्यूशन करने वाले हैं। आगे के वीडियो अगर आपने मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, ऊपर जो आई बटन है वहां पे क्लिक करना तो आगे के सारे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से मिल जाएगी। और आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन अ डार्ट गेम फॉलोइंग इज द स्कोर ऑफ फोर प्लेयर्स। यहाँ पे प्लेयर के नाम और उनके स्कोर दिए गए हैं। रश्मि का स्कोर है 0, राकेश का स्कोर है 50, सोहा का स्कोर है 150 और रहमान का स्कोर है 100। सेंटर ऑफ द डार्ट बोर्ड इज कॉल्ड बुल्स आई। हिटिंग द बुल्स आई गिव अ स्कोर ऑफ 50। हिटिंग एनीवेयर एल्स गिव्स यू अ 0। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लेयर्स डिड हिट अ बुल्स आई। यहाँ पे सेंटर में एक सर्कल बना गया है छोटा, तो उसको अगर आप हिट करते हैं तो आपको डायरेक्टली 50 पॉइंट्स मिलते हैं, और बाकी कहीं पे भी अगर आप हिट करोगे तो आपको 0 पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पे कौन से दो प्लेयर्स की जोड़ी ने बुलसाई को हिट किया है? रश्मि एंड राकेश, रहमान एंड रश्मि, सोहा एंड रश्मि, राकेश एंड सोहा। तो यहाँ पे इसका आंसर काफी सिंपल है। देखिए, रश्मि का स्कोर तो 0 है, इसका मतलब रश्मि ने तो बीच में बुल्स आई को हिट ही नहीं किया। तो आपको ऐसे दो प्लेयर्स चाहिए जिन्होंने बुल्स आई को हिट किया है, तो उसमें रश्मि कभी भी नहीं होगी, क्योंकि रश्मि का स्कोर 0 है और 0 का मतलब ये होता है कि उसने बुल्स आई को कभी हिट किया ही नहीं। यहाँ पे हम जो भी जोड़ी लेंगे उसमें रश्मि नहीं आएगी किसी भी हाल में, यानी कि जहाँ पे रश्मि है वो तो आंसर आ ही नहीं सकता, इसलिए हमारा राइट आंसर है राकेश एंड सोहा। का क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ योर फादर्स वॉलेट इज स्टोलन इन द मार्केट वेयर विल यू गो फॉर हेल्प। आपके फादर का वॉलेट जो पर्स होता है अगर वो चोरी हो जाए तो आप कहाँ जाओगे? ऑप्शन आ, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, बैंक या फिर स्कूल। का आंसर तो कितना सिंपल है, छोटे छोटे बच्चों को भी आता होगा और आपको भी आता है, और इसका आंसर है पुलिस स्टेशन। अगर हमारे साथ कोई भी चोरी चकारी लूटपाट जैसी घटनाएं होती हैं तो हमको पुलिस स्टेशन जाना होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल हॉप। हॉप यानी कूदना, जंप करना। हॉर्स, कैमल, कैट, गोट, एलिफेंट, डॉग, रैबिट, कंगारू। कितना इजी क्वेश्चन है, कौन से एनिमल्स है जो कूदते हैं? तो ऑफ कोर्स ये कंगारू तो कूदता ही और रैबिट भी कूदते ही जाता है, तो इसका आंसर आता है रैबिट एंड कंगारू। क्वेश्चन नंबर 29 है, यू आर ट्रैवलिंग बाय बस, सडनली द बस ड्राइवर सीज द रेड सिग्नल ऑन द ट्रैफिक लाइट, व्हाट शुड द ड्राइवर डू। आप जा रहे हो और आपकी गाड़ी के ड्राइवर ने रेड सिग्नल को देखा है, रेड सिग्नल देख के उसे क्या करना चाहिए? कीप मूविंग, चलते ही जाना, स्टॉप द बस, बस को रोक देना, स्टार्ट मूविंग फास्टर, और तेज चलाना, स्टार्ट मूविंग स्लोअर, धीरे धीरे चलाना। तो रेड सिग्नल देखे क्या करते हैं, हाँ, बस को रोक ही देना चाहिए। ये जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं, तो हमें उस नियमों का पालन करना होगा। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, अ मंथ ओल्ड बेबी इज देयर इन द फैमिली, व्हाट इज द मेन फूड दैट द बेबी शुड हैव। एक महीने का छोटा बच्चा फैमिली में आया है और आपके हिसाब से उसे क्या खाना होगा? रोटी एंड दाल, फ्रूट्स ओनली, वेजिटेबल सूप या फिर मदर्स मिल्क। तो एक महीने का छोटा बच्चा है तो उसे तो मदर्स का मिल्क, माँ का दूध ही उसके लिए बेस्ट रहेगा और वही चीज वो खा सकता है। तो बच्चों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर मेरे लिए कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक देखते रहे एजुटेक प्लस। थैंक यू।